हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ राजस्थान हाई कोर्ट की एग्जाम 2023 से जुड़ी हुई। दोस्तों, आपको पता ही है कि हाई कोर्ट LDC और JJ यानी कनिष्ठ न्यायिक सहायक और JA यानी न्यायिक सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 के अभी टाइप राइटिंग टेस्ट चल रहे हैं और ये जो टाइप राइटिंग टेस्ट हैं ये 26 मई से प्रारंभ हुए थे और 29 मई तक चलेंगे, ठीक है। उसके पश्चात फाइनल सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा। ये अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ, आप देखिए। हाई कोर्ट प्रशासन बोला, सीमित संसाधन, तत्काल टेस्ट संभव नहीं। क्या है पूरा मैटर वो देखिए आप। हाई कोर्ट प्रशासन की 1985 पदों की कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज़्यादा अंक आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्पीड व एफिशिएंसी टेस्ट परीक्षा में शामिल नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट प्रशासन ने सीमित संसाधनों की कमी का हवाला दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने रिट दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर कि जनरल से जिन कैटेगरी के आरक्षित वर्ग की जिन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी से ज़्यादा अंक आए थे, कट ऑफ मार्क्स रही थी, उसके बावजूद उनको और टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए योग्य नहीं माना गया था, उन अभ्यर्थियों ने जब हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी तो वहाँ जो प्रतिवादी पार्टी है, नहीं जो हाई कोर्ट है उसकी ओर से ये पक्ष प्रस्तुत किया गया था वकील की तरफ से कि भाई अभ्यर्थी जो है वो बहुत ज़्यादा है और सीमित संसाधन है, इसलिए उनको टेस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता है। फिर आगे का मुद्दा देखिए, आगे है हाई कोर्ट के एक्टिंग CJ MM श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ के समक्ष अजीत सिंह व अक्षय शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। ये शुक्रवार का मैटर है यानी कल का, 25 मई का, और ये याचिका जो है इनके द्वारा पेश की गई थी अजीत सिंह और अक्षय शर्मा, तो इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद व शैलेश प्रकाश शर्मा ने कहा कि अदालत ने अंतरिम टेस्ट के जरिए पहले ही ज़्यादा अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया है। आपको पता है कि OBC का आरक्षण का कट ऑफ का मामला था, उसको लेकर के कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे और उनको फिर हाईकोर्ट ने जो है टाइप राइटिंग टेस्ट के अंदर शामिल करने का ऑर्डर प्रदान किया था, ठीक है। जबकि टेस्ट कराने के लिए सीमित कॉलेज और संसाधन है, टेस्ट में हर अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है, ऐसे में तत्काल प्रार्थी अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज सेंटर की व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रार्थियों के अधिवक्ता सोपित जाजड़िया व RP सैनी ने कहा कि अभी टेस्ट के लिए सेंटर उपलब्ध नहीं है तो 30 मई के बाद टेस्ट रखवा लें। प्रार्थी जो रिट दायर करने वाले थे उनके वकील ने क्या कहा कि भाई अगर अभी सेंटर जो है उनकी व्यवस्था नहीं है तो आप 29 मई तक तो ये टाइप राइटिंग टेस्ट चल रहा है, उसके बाद में इन अभ्यर्थियों का जो है वो 30 मई के बाद में जो आप टाइप राइटिंग टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आगे है, हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा कि जिन कॉलेजों में टेस्ट का सेंटर है वे 30 मई को खाली है या नहीं ये जानकारी उन्हें नहीं है। तो ये मैटर है कि तो दोस्तों ये मैटर है, कल जो टाइप राइटिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ था उससे जस्ट पहले जो है ये अभ्यर्थी हाईकोर्ट में चले गए थे। उन्होंने मांग की थी कि भाई हमारी जो मेरिट कट ऑफ मार्क्स हैं हमारे आरक्षित वर्ग के वो जनरल से ज़्यादा हैं, इसलिए हमें जो है इस टाइप राइटिंग टेस्ट के अंदर शामिल करने का ऑर्डर प्रदान किया जाए, अंतरिम आदेश प्रदान किया जाए। तो उसमें जो बहस चल रही थी उसके अंदर सरकारी पक्ष ने क्या कहा कि अभी सेंटर जो है उसके अंदर व्यवस्था तत्काल नहीं की जा सकती। तो जो याचिकाकर्ता के वकील है उसने क्या कहा कि आप 30 मई के बाद में जो है ये व्यवस्था कर लें। तो जो सरकारी वकील था हाईकोर्ट का उसने क्या कहा कि भाई 30 मई के बाद सीटें जो है खाली हैं कि नहीं है कॉलेजों के अंदर ये टाइप राइटिंग टेस्ट कराने के लिए, उनको जानकारी नहीं है। इसका मतलब इन अभ्यर्थियों को भी कोर्ट जो है
टाइपराइटिंग टेस्ट में बैठने के लिए अलग से व्यवस्था करने का ऑर्डर प्रदान कर सकता है, ऐसा लगता है। तो ये थी दोस्तों हाई कोर्ट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।